वेलकम टू यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। हमने एक वीडियो बनाई थी क्लास नाइन्थ के लिए, एक्सरसाइज 1.3। 6 क्वेश्चन हमने उसमें कराए थे, 3 क्वेश्चन उसके रह गए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है तो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो सही रहती हैं। तो 3 क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं के लिए है ये नेक्स्ट वीडियो। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दी थी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन देन रेशनल नंबर 5/7। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 था विद नहीं राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर्स आपको बताने हैं, 3 नंबर्स डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे पहली वीडियो में बताया था जो नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग होता है वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पूछा है कि वो नंबर बताने हैं जो नॉट टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिकरिंग हो, यानी कि वो सीधी सी बात है इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर होंगे तो हम इरेशनल नंबर लिख देंगे, √2, √3, √7 एटसेट्रा। 3 नंबर्स उसने पूछे हैं, 3 नंबर हमने लिख दिए, क्योंकि अगर √2 की हम बात करें तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 1 1 और 1 2.00, 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 96, 4 00, उसके बाद 28। ठीक है, फिर 1 टाइम, 1 टाइम 281, वी गेट 9 1 1, नेक्स्ट 282.00, नेक्स्ट 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा, ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 6। ठीक है, तो ये कितना टाइम गया था, 4 टाइम, ये कितना आएगा, 2828। ठीक है, चलिए, पॉइंट है 20, उसके बाद नेक्स्ट कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, 2 5 56। नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नंबर रिपीट नहीं होगा, आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वही नंबर इसने पूछे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, √2 मैंने सॉल्व करके बता दिया, ऐसे ही आपको √3 और √7 को सॉल्व करना है, सिर्फ इतना इसमें बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। अब तक हमने निकाला था 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, यहाँ 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 करने हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं वो 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन करने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 एंड 9/11, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट 5/7, फर्स्ट हमें इन्हें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 5 को डिवाइडेड कर देंगे 7 से। ठीक है, 0.77 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4। ठीक है, उसके बाद 0
सेवन फाइव जा 35, फाइव फिर 0, सेवन सेवन जा 49, फिर 1। तो देखो ये 1 आ गया, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 है। अब ये इसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7142857 और ये आगे चलता रहेगा। चाहे तो हम इसके ऊपर बार चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद रिपीट होता जाएगा, पूरा पूरा ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, 9/11। 9/11 में क्या, 9 को डिवाइडेड कर दो 11 से, 0.1188, 2 0 11 1 11 9 0। देखो यहाँ 9 था, यहाँ दोबारा 9 आ गया, तो इसके बाद ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको हम वी कैन राइट 0.081811, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखो, हमें दो इरेशनल नंबर मिल गए डेसिमल। अब हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने, इनके बीच में दो ऐसे इरेशनल नंबर कोई भी लिख दो जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। सबसे पहले तो डेसिमल में, तो नॉन रिपीटिंग हो। चलिए इसके, इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 7 0.730, 7300, 7340, इस टाइप से हम ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 7400, 7400, 7400, ठीक है। उसके बाद 7600, 7600, 7600, ये हो गए 3 इरेशनल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल में चेंज करो, ये डिजिट देखो, इसके बीच में इस टाइप से 3 सीरीज बना दो जो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है। 7300, 7300, ये इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, ऐसे ही ये इससे बड़ा है इससे छोटा है, ऐसे ही 7600, 7600, ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, ठीक है। तो दीज आर एन इरेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रेशनल है। देखो रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आए, अगर डेसिमल में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो, अगर टर्मिनेटिंग में नहीं है तो फिर वो रिपीटिंग हो, तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो वो इरेशनल होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में इसने फर्स्ट दिया है √23। √23 की अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, तो 23 कितने, 4 4 टाइम, 4 4 16, 7 4 4 8.00, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 8 8 64, 8 टाइम जाएगा ही नहीं, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56 और 4 60, 1 9, टेन, टेन में से 9 1, ये 9 9 और ये 0, ये 7 7 14 94, ठीक है। उसके बाद फिर 00 कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 4 9 9 जा 81 और 4 85, 9 5 5, ठीक है। एड 9 9 18 5 9, नेक्स्ट 20, ठीक है। देखो 5 टाइम, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 2 4 5 5 जो 40 49, 4, ठीक है। तो √23 इज इक्वल टू 4.795, आगे चलता जाएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको और हम आगे डिवाइड कर देंगे तो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो √23 इज एन इरेशनल नंबर, √23
इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस ये हमें क्लासिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पार्ट अंडर रूट 225। देखो सीधी सी बात है, ये तो हम जानते हैं, क्लास नाइन्थ में आ गए। 225 15 का स्क्वायर होता है, इजकल टू 15 या इजकल टू 15 इंटू 15 इजकल टू 15। सो 15 सो अंडर रूट 225 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन 1 इजकल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए, सो अंडर रूट 225 इज ए रेशनल नंबर। बस हो गया क्लासीफाई, फर्स्ट इरेशनल था, सेकंड रेशनल हो गया। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है? थर्ड है 0.3796, 0.3796। सीधा दिख रहा है हमें, टर्मिनेट हो गया, आगे डॉट डॉट नहीं है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0.3796 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। सो 0.3796 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है। बस चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 7.47। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें इसका, 7.47 8478 डॉट डॉट। चलिए देखो, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल, ये क्लासिफाई करना है। अगर हम पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट देखें तो 478 478 रिपीट हो रहा है। अब इसे हम देखेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले भी बताया, पहले की तरह ऐसे ही लेट x इज इक्वल टू 7.478478। ठीक है, अब देखो 478 थ्री डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। तो 1000 x इज इक्वल टू 7478 या तो इस लाइन को भी ऐसे ही लिख लो 7.478478 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये तो हो गया 1000 एक्स, ये हो गया 7478.478। ठीक है, चलिए अब एक्स सब्ट्रैक्ट एक्स बोथ साइड 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 7.478 माइनस x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या है, ये है 7.478478। ठीक है, चलिए देखो पॉइंट, ये तो क्या आ जाएगा 999x। यहाँ की अगर हम बात करें, पॉइंट के बाद ये रिपीटिंग है पूरा, और यहाँ पॉइंट के बाद ये रिपीटिंग है, तो ये इससे तो ये ख़त्म हो गया, बचा यहाँ 7, यहाँ ये बचा, तो इस 7 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 7471 आएगा, 8 में से 71 और 74 और ये, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7471 अपॉन 999। तो ये क्या हो गया, ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं 7.478478 डॉट डॉट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इतना ही क्लासिफाई करना है, ये एक रेशनल नंबर है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसमें लास्ट पार्ट है, और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद क्या है, फिफ्थ पार्ट है 0.01001001 और ये डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, देखो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग है,
और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है कि आगे डॉट डॉट है। नॉन रिपीटिंग क्या है, पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, यही दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन दूसरा है, ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1.10, 1.10, 1001, 0040, 1 डॉट डॉट, ये है। चलो देखो यहाँ देख, डेसिमल के बाद अगर हम देखें, पहली बात तो ये डॉट डॉट यहाँ पर इसने दिया है, क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट रिपीटिंग है, यानी कि नॉन रिकरिंग है। सो क्या हो जाएगा, 1.10, 1001, 0000, 1401 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग मतलब ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खत्म हुई, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है, ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, गुड डे।